फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार सतारह में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन काविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर तो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैंड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन औरम का करैक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कावेनेट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली आपको है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप ज़रूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक लिए के बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग एलियन काविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन काविनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते तो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन कावीनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा है डामियन वेचर देखने को मिल जाती है सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कोवेनेंट मूवी में सबसे सनमाइटोग्राफी की है डेरूस बॉल्स्की ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूज किया है एलियन कोवेनेंट मूवी का जेड गुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के 20th सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटर ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन औरम का करेक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक की के लिए फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हजार में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन कावेन्ट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन काविनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जोहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जाती हैं डेमियन बिचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी एड़ की है डेर बॉल्सकी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूज किया है एलियन काविनेंट मूवी का जेड कुरजे ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉविनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट नाइन्टी सेवन से लेकर वन हंड्रेड इलेवन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन दो सौ चालीस पॉइंट नौ मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का करैक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का करैक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का करैक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बिचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करेक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन काविनेट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगेगा एक बार लाइक करके जरूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन कोविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन काविनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन कॉन्विनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जोहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शन एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम है एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बिचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करेक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नाडिस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कावेन्ट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली आपको है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगेगा एक बार लाइक करके जरूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार सतारह में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन कॉवेनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन कॉवेनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन कावीनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैंड वाइन प्रोडक्शन्स एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम है एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉविनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबैंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का करैक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का करेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का करेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करैक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में एमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कॉवेनेंट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा कैसे लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कॉवेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार सतारह में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर तो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी एड़ की है डैरूज बॉल्सकी ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैंड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटर ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करैक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन औरम का करैक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करैक्टर निभाया है कैली हर्नांडिस ने उपवर्थ का करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड एमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करैक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कावेनेट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप ज़रूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक लिए के बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग एलियन काविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन काविनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते तो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन कावीनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा हैं। डैमियन वेचर देखने को मिल जाती है सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कोवेनेंट मूवी में सबसे सनमाइटोग्राफी की है डेरूस बॉल्स्की ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूज़ किया है एलियन कोवेनेंट मूवी का जेड कुरज़ेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के 20th सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन औरम का करटर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी से ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कोविनेंट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फ़िक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली आपको है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन काविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन कावेन्ट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन काविनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जोहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जाती हैं डेमियन बिचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डेर बॉल्सकी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूज किया है एलियन काविनेंट मूवी का जेड कुरजे ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉविनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट नाइन्टी सेवन से लेकर वन हंड्रेड मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दो सौ चालीस पॉइंट नौ मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का करैक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का करैक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का करैक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बिचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करेक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है, है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कॉवेनेंट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगे एक बार लाइक करके जरूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कॉवेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन कोविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन काविनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन कॉन्विनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जोहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शन एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम है एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बिचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करेक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नाडिस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डैमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कावेन्ट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली आपको है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगेगा एक बार लाइक करके जरूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार सतारह में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन कॉवेनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन कॉवेनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन कावीनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैंड वाइन प्रोडक्शन्स एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम है एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉविनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबैंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का करैक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का करेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का करेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करैक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में एमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कॉवेनेंट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप ज़रूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा कैसे लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कॉवेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार सतारह में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर तो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी एड़ की है डैरूज बॉल्सकी ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैंड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का करैक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का करैक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर विण औरम का करैक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन औरम का करैक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कावेनेट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप ज़रूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक लिए के बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग एलियन काविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन काविनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते तो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन कावीनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूज़ किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ जैस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन औरम का करटर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी से ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कोविनेंट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन काविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में, में कि एलियन कावेन्ट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन काविनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जाती हैं डेमियन बिचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी एड़ की है डेर बॉल्सकी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूज किया है एलियन काविनेंट मूवी का जेड कुरजे ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉविनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट नाइन्टी सेवन से लेकर वन हंड्रेड इलेवन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन दो सौ चालीस पॉइंट नौ मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का करैक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का करैक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का करैक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बिचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करेक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन काविनेट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली आपको है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगेगा एक बार लाइक करके जरूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन कोविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन काविनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन कॉन्विनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जोहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कोवेनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डेरूस बॉल्स्की ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कोवेनेंट मूवी का जेड गुरजेल ने एड प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के 20th सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शन एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम है एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टाउन ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बिचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करेक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नाडिस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कावेन्ट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली आपको है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगेगा एक बार लाइक करके जरूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार सतारह में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन कॉवेनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन कॉवेनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन कावीनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैंड वाइन प्रोडक्शन्स एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम है एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉविनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की कि है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबैंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन था। ने डैनियल्स का करैक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का करेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का करेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करैक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में एमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप ज़रूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा कैसे लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक लिए के बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार सतारह में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग एलियन काविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुँचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर तो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैंड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन औरम का करैक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कावेनेट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप ज़रूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक लिए के बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग एलियन काविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते तो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन कावीनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूज़ किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ जैस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन औरम का करटर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कोविनेंट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन काविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन कावेन्ट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन काविनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जोहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जाती हैं डेमियन बिचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डेर बॉल्सकी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूज किया है एलियन काविनेंट मूवी का जेड कुरजे ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉविनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट नाइन्टी सेवन से लेकर वन हंड्रेड इलेवन मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन दो सौ चालीस पॉइंट नौ मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का करैक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का करैक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का करैक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बिचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन औरम का करटर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन काविनेट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगेगा एक बार लाइक करके जरूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक की के लिए तो और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार में रिलीज हुई थी काफी लोग एलियन कॉवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन कोविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन काविनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन कॉन्विनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जोहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शन एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम है एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बिचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करेक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नाडिस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डैमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कावेन्ट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगेगा एक बार लाइक करके जरूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार सतारह में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन काविनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन कॉवेनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन कॉवेनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन कावीनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैंड वाइन प्रोडक्शन्स एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम है एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉविनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबैंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का करैक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का करेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का करेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करैक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में एमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कॉवेनेंट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप ज़रूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा कैसे लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कॉवेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार सतारह में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना कर तो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन बेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कॉबेनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डैरूज बॉल्सकी ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कॉवेनेंट मूवी का जेड कुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैंड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन औरम का करैक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कावेनेट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो यूट्यूब पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप ज़रूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार में रिलीज हुई थी काफ़ी लोग एलियन काविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन कावेनेट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते तो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन कावीनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा हैं। डैमियन वेचर देखने को मिल जाती है सनमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कोवेनेंट मूवी में सबसे सनमाइटोग्राफी की है डेरूस बॉल्स्की ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूज़ किया है एलियन कोवेनेंट मूवी का जेड गुरजेल ने एंड प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के 20th सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट 97 से लेकर 111 मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 240.9 मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटर ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बेचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन औरम का करेक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडिस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड एमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कोविनेंट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगे एक बार लाइक करके ज़रूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कावेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो हज़ार में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन काविनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन कावेन्ट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन काविनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन काविनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जॉहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जाती हैं डेमियन बिचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डेर बॉल्सकी ने एंड एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूज किया है एलियन काविनेंट मूवी का जेड कुरजे ने एंड प्रोडक्शन कंपनी इस मूवी के ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शंस एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है इस मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉविनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट नाइन्टी सेवन से लेकर वन हंड्रेड मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दो सौ चालीस पॉइंट नौ मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का करैक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टॉन ने डैनियल्स का करैक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का करैक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का करैक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बिचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करेक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नांडेस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डेमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको तो यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा कैसे एक बार लाइक करके जरूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन काविनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक के लिए ओके जय हिंद वंदे मातरम तो फिल्मी रिव्यू की एक और नई वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलियन काविनेंट मूवी के बारे में जय मूवी साल दो में रिलीज़ हुई थी काफ़ी लोग एलियन कॉवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हैं सो तो अगर आप भी इस मूवी को देखना पसंद करते हो तो आज की इस वीडियो को एक बार लाइक like तो ज़रूर से कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाले सभी मूवी रिव्यूज़ एंड मूवी के अपडेट्स आपके पास पहुंचते रहें सो so, आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि एलियन कॉवेनेंट मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी साथ ही में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस मूवी की टीम के बारे में कि कौन सी टीम ने एलियन कोविनेंट मूवी को बनाया है कौन से एक्टर आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है किन्होंने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है एंड बात करने वाले हैं इस मूवी के बजट के बारे में एंड बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में कि एलियन काविनेंट मूवी कितने बजट में बनाई गई थी एंड कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन एलियन काविनेंट मूवी ने किया था आपको इस वीडियो में फुल पता चलने वाला है सो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना अगर आप भी एलियन काविनेंट मूवी देखना पसंद करते हो आपको फुल डिटेल में इस मूवी का रिव्यू मिलने वाला है कि आपको यह मूवी देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो सबसे पहले इस मूवी की आपको टीम के बारे में बता देते हैं कि कौन सी टीम ने एलियन कॉन्विनेंट मूवी को बनाया है डायरेक्टर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को डायरेक्ट किया है रिडले स्कॉट ने इस मूवी का स्क्रीन पर लिखा है जोहन लॉगन ने एंड डेंट हार्पर ने इस मूवी की स्टोरी लिखी है जैक पैगलेन ने एंड माइकल ग्रीन ने प्रोड्यूसर की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी को प्रोड्यूस किया है डेविड गिलर ने वाल्टर हिल ने रिडले स्कॉट ने मार्क हुफमैन ने माइकल स्टैफर ने एंड एक्ट्रेस की बात की जाए तो एलियन काविनेंट मूवी में आपको सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे कैथरीन बैटर देखने को मिल जाते हैं बिली क्रडप देखने को मिल जाती है डैनी एमसी ब्राइड देखने को मिल जा जाते हैं डैमियन वेचर देखने को मिल जाते हैं सरमाइटोग्राफी की बात की जाए तो एलियन कोवेनेंट मूवी में सबसे सरमाइटोग्राफी की है डेरूस बॉल्स्की ने एडिट किया है इस मूवी को पाइट्रोस कैलिया ने म्यूजिक किया है एलियन कोवेनेंट मूवी का जेड गुरजेल ने एड प्रोडक्शन कंपनीज इस मूवी के 20th सेंचुरी फॉक्स टी एस जी एंटरटेनमेंट ब्रैड वाइन प्रोडक्शन एंड स्कॉट फ्री प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूट किया है एलियन काविनेंट मूवी को ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स ने एंड रिलीजिंग डेट है मूवी का 19 मई 2017 एंड रनिंग टाइम है एलियन काविनेंट मूवी का 122 मिनट इस मूवी के लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज में यह मूवी आपको देखने को मिल जाती है एलियन कॉन्विनेंट मूवी के बजट की बात की जाए तो इस मूवी का बजट नाइन्टी सेवन से लेकर वन हंड्रेड मिलियन डॉलर का रहा था एंड इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन दो सौ चालीस पॉइंट नौ मिलियन डॉलर का रहा था तो यह कुछ टीम के बारे में बात हो गई बजट के बारे में बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में बात हो गई उसके आगे इस मूवी के एक्ट्रेस की बात की है कि कौन से एक्टर ने किसका करैक्टर निभाया है इस मूवी में सबसे पहले लीडिंग रोल पर माइकल फैसबेंडर ने डेविड एट का कैरेक्टर निभाया है उसके आगे कैथरीन बैटरस्टाउन ने डैनियल्स का कैरेक्टर निभाया है बिली क्रडप ने क्रिस्टोफर औरम का कैरेक्टर निभाया है डैनी एमसी ब्राइड ने टेनेसी का कैरेक्टर निभाया है इस मूवी में एंड डैमियन बिचर ने डैन लोप का करेक्टर निभाया है कारमेन इजोगो ने कैराइन का करेक्टर निभाया है जूसी स्मॉलेट ने रिक्स का करेक्टर निभाया है कैली हर्नाडिस ने उपवर्थ का करेक्टर निभाया है इस मूवी में डैमी सेमेट्स ने मैगी फॉरिस का करेक्टर निभाया है इस मूवी में उसके आगे इस मूवी के जॉनर की बात की जाए तो एलियन कावेन्ट मूवी का जॉनर है साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवी है सो अगर आपको साइंस फिक्शन एक्शन हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो इस मूवी को आप ज़रूर से देख सकते हो काफ़ी पसंद आने वाली है आपको यह मूवी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस मूवी को बनाया भी गया है आप जरूर से देख सकते हो सो आज का मूवी रिव्यू कैसा लगेगा एक बार लाइक करके जरूर से बता देना तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पर आपको एलियन कोवेनेंट मूवी देखने को मिलेगी यूट्यूब की बात की जाए तो YouTube पर तो यह मूवी आपको देखने को नहीं मिलती अगर आप एलियन कोवेनेंट मूवी को देखना पसंद करते हो तो यह मूवी आपको किसी न किसी और टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी आप जरूर से देख सकते हो सो मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं किसी और नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ तब तक लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम